subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, नवीं कक्षा के दूसरे पाठ झुमका के पहले वीडियो में आप तमाम का स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं झुमका, जिसे सुशील सरित ने लिखा है। अब हम समझते हैं कि इसका जो झुमका है, इसके जो लेखक है सुशील सरित, इनका परिचय। सुशील सरित जी आधुनिक कथाकार हैं। आपकी कहानियाँ, निबंध विविध पत्रिकाओं में प्रायः छपती रहती है। अब ये वर्णनात्मक कहानी क्या होती है, पहले से समझ लेते हैं। वर्णनात्मक कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन की ही वर्णनात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रच्छन्न रूप में परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए इन्हें अपनाने का संदेश दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं झुमका। इस पाठ के वाचन करेंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलटकर देख लिए, बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका ना मिलना था ना मिला। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। यानी कांति जो है वो ढूंढ रही थी कि घर का कोना कोना उसने छान मारा था कि उसका जो झुमका गुम गया था वो कहाँ पर है। उसने देखा, बिस्तर हटाकर देखा, हर तरफ झाड़ू लगाए, लेकिन ये इस तमाम के बारे में जो है सर्वेश को पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो पता नहीं वो क्या कहता, इसलिए कांति डर रही थी। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नज़र डाली। कल अपनी दूर पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसके पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीद कर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वो क्या कहेंगे। यानी ये कांति ने इस झुमके को जमा कर खरीदने के लिए 2 साल तक पैसा जमा किया था और पिछले महीने ही उनकी जो मिन्नी थी उसकी घड़ी खो गई थी, तो सर्वेश ने पूरा घर सर पे उठा लिया था, इसलिए वो डर रही थी। और जब उसने इसे बताया तो बताएगी तो सर्वेश क्या समझेगा, ये सोचकर ही वो डर उठ रही थी। दरअसल यानी वास्तव में झुमके का ये जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। यानी ये जो झुमका था ये कांति बता चुकी थी और सर्वेश को भा गया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वहीं शोकेस में लगे झुमकों को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया था। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। यानी ये उस वक्त की बात है जब भारत में सोने की कीमत बहुत कम होती थी। अभी सोना तो 4 तोला यानी कम से कम 2 लाख का हो जाता है। उस वक्त वो 2000 में उन्होंने ख़रीदे थे और झुमके देखकर कांति को बहुत खुशी हुई थी। रमा सोने की अंगूठी खरीदने गई थी तो तभी कांति ने उसे देखा था और उसे देखकर वो खुश हो गई थी। दुकानदार रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमके सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना ये भी वादा कर दिया कि वो 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। यानी कांति जब रमा के साथ वहाँ गई थी तो दुकानदार रमा का परिचित था, पहचान वाला था, तो उसने वो जो झुमका था वो रमा के कहने पर निकाल कर रख दिया और ये वादा भी कर लिया कि वो 2 दिन तक के उसे नहीं बेचेगा। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। यानी
देखिए ये यहाँ पर एक बात है कि अपने घर वालों के को किसी किस्म के तनाव में नहीं डालना, ये अक्सर बहुत अच्छी आदत होती है। और यही चीज़ कांति ने यहाँ पर की थी, और सर्वेश को किसी टेंशन में नहीं डालना चाहती थी, और इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बारे में कुछ कहे। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वो दूसरे ही दिन जाकर वो सेट खरीद लाई। यानी कांति के पास जितने पैसे थे वो सारी जमा पूंजी उसने जमा की, और वो सेट उसे बहुत भा गया था इसलिए उसे वो खरीद लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। ये सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। यानी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनकर वो सर्वेश को इस बारे में बताकर सरप्राइज देना चाहती थी। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। यानी कांति ने जब वो उसे ख़रीदा था तो वो इतनी खुश थी कि उसे देखा भी नहीं और टूटा हुआ झुमका ही लेकर आ गई। कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। अभी चलकर ठीक करा लें तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वो सुनार माने या ना माने। ऐसा सोचकर वो तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई, और सुनार ने भी अरे बहन जी ये तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा, कहकर उसे तसल्ली दी। यानी ये कांति और रमा की हाजिर दिमागी थी कि वो झुमका टूटा हुआ था तो तुरंत वो सुनार के पास चली गई, और सुनार ने भी इसे मान लिया कि ये मामूली खराबी है, उसे आधे घंटे में ठीक कर दिया, और ये भी वादा किया, तसल्ली दी कि आगे ऐसी कोई और तकलीफ़ आएगी तो वो उसे दुरुस्त कर देगा। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज़ पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपट कर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नज़र आ रहा था, दूसरा झुमका कहाँ गया ये कांति समझ ही नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। यानी जब वो झुमके खरीद कर लाई थी तो उसने उसे टेबल पर ही रख दिया था, और टेबल पर रख कर वो भूल गई थी, अपने काम में लग गई। लेकिन जब उसने पैकेट का काम निपटा कर पैकेट खोला तो देखा कि उसमें एक ही झुमका है, और उसे तो पता था कि उसे याद था कि वो दोनों झुमके लाई थी, इसलिए वो परेशान हो गई। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।